योगी सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर सुरेश खन्ना ने शाहजहांपुर में कल कर दिया आधे अधूरे पुल का उद्घाटन। गर्रा नदी पर बन रहे इस पुल पर उद्घाटन के चार दिन बाद भी चल रहा है काम। यूपी के बुलंदशहर में आचार संहिता का उल्लंघन करने पर एसपी के बाहुबली नेता गुड्डू पंडित पर महिला सीओ वंदना सिंह की कार्रवाई। काफिले में शामिल गाड़ियों से झंडे बैनर हटवाए। यूपी के बरेली में एबीपी न्यूज की खबर का असर। कंबल बांटने और दावत देने वाले बीजेपी विधायक बहोरन लाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज। भोजीपुरा के विधायक पर चुनाव आयोग के निर्देशों का मजाक बनाने का आरोप। यूपी के सहारनपुर में कांग्रेस छोड़ने से पहले इमरान मसूद ने बिना इजाजत के जुटाए समर्थकों की भीड़। सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। इमरान समेत 10 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। कोरोना के खतरे के बीच कर्नाटक में कांग्रेस की पदयात्रा। भीड़ जुटने पर प्रशासन ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डीके शिवकुमार समेत 30 लोगों पर केस दर्ज किया। महाराष्ट्र के नासिक में कोरोना प्रोटोकॉल तोड़कर निकाली रैली। 150 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। 8 जनवरी को बिना इजाजत रैली का आयोजन। यूपी में आज से बीजेपी का महाजनसंपर्क अभियान शुरू। कोरोना नियमों के तहत 5-5 सदस्यों की टीम घर घर जाकर करेगी मुलाकात। 1,74,000 बूथों पर जाने का लक्ष्य। रैली और रोड शो पर लगी है रोक। पूरे उत्तर प्रदेश में सघन संपर्क अभियान प्रारंभ करने वाले हैं। दिल्ली में आज यूपी बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक। उम्मीदवारों के नाम पर होगा फाइनल फैसला। सीएम योगी, दोनों डिप्टी सीएम और प्रदेश अध्यक्ष अगले 3 दिन तक दिल्ली में ही रहेंगे। यूपी चुनाव पर लखनऊ में बीजेपी की चुनाव समिति की बैठक हुई। पहले दूसरे चरण के उम्मीदवारों पर हुआ मंथन। 14 जनवरी के बाद पहली लिस्ट आने की संभावना। केशव मौर्य बोले, यूपी में फिर खिलेगा सुशासन देने वाला कमल। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान का बड़ा बयान। एबीपी न्यूज से बातचीत में कहा, पश्चिमी यूपी में 2017 दोहराएंगे। जाट हमेशा से बीजेपी के साथ रहा है। 17 में दिखाई देता था, वही 22 में दिखाई दे रहा है। यूपी में चुनाव से पहले कांग्रेस को झटका। सहारनपुर में इमरान मसूद का कांग्रेस छोड़ने का ऐलान। कांग्रेस विधायक मसूद अख्तर भी इमरान मसूद के साथ आज समाजवादी पार्टी में होंगे शामिल। मैं समाजवादी पार्टी के साथ इस चुनाव के अंदर जाने का काम करूंगा। यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य का अखिलेश यादव पर तंज। बोले, भगवान परशुराम जी अखिलेश और समाजवादी पार्टी पर क्रोधित हो गए हैं, इसलिए फरसा गिर गया। शुक्र है अखिलेश जी पर नहीं गिरा। श्री अखिलेश यादव जी के ऊपर समाजवादी पार्टी के ऊपर क्रोधित हो गए, फरसा गिरा है, भला उनके ऊपर नहीं गिरा, बच गए। परशुराम के फरसे के गिरने की खबरों पर एसपी विधायक संतोष पांडे की सफाई। कहा, सजावट के लिए फरसे को नीचे उतारा। और इसी पाइप से एलईडीज को हमको बढ़ाना है, लाइट ऊपर से जाएगी, इसलिए वो कूलिंग के चक्कर में थोड़ा सा बैलेंसिंग खराब हो गया था, इसलिए वो थोड़ा सा उखड़ गया। ये फरसा एक दो दिन में ही बहुत जल्दी से जल्दी असेंबल हो जाएगा। पीएम के लाल टोपी पर बयान को लेकर मुलायम सिंह यादव का पलटवार। कहा, लाल टोपी से परेशान हो गए हैं। यूपी में सरकार बनाने का किया दावा। बीजेपी को कहते समाजवादी पार्टी की ये लाल टोपी खतरनाक है। लाल टोपी से परेशान हो गए। समाजवादी पार्टी के नेता आईपी सिंह का बीजेपी पर निशाना। बोले, बीजेपी के विधायक चारों ओर पीटे जा रहे हैं। बीजेपी दूसरे राज्यों से नेताओं को बुला रही है, विधायकों को बुला रही है, मंत्रियों को बुला रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के जो विधायक हैं, मंत्री हैं, सांसद हैं, वो जगह जगह
थप्पड़ मारे जा रहे हैं, लात खा रहे हैं, कूटे जा रहे हैं। कानपुर के पुलिस कमिश्नर असीम अरुण ने वीआरएस लेने से पहले सोशल मीडिया में एक वीडियो जारी किया। कहा, वर्दी पहनकर अभी तक देश के नागरिकों की सेवा कर रहा था, अब राजनीति में आकर लोगों की सेवा करूंगा। प्रधानमंत्री मोदी ने काशी विश्वनाथ धाम में मजदूरों के लिए 100 जोड़ी जूट के जूते भेजे। मंदिर में रबर और चमड़े के जूते पहनने की मनाही है। मोदी ने मजदूरों को नंगे पैर काम करते देखा था। उत्तराखंड के पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता हरीश रावत का चुनाव लड़ने पर बड़ा बयान। कहा, मैं इस बार एक सीट से ही चुनाव लड़ूंगा, जहां से पार्टी आदेश करेगी वहां से लड़ूंगा चुनाव। अभिनेता सोनू सूद की बहन मालविका सूद कांग्रेस में शामिल हुई। सीएम चन्नी और सिद्धू ने मोगा में उनके घर जाकर पार्टी में शामिल करवाया। मालविका ने की चन्नी की तारीफ। चुनावों के मद्देनजर पंजाब में चुस्त हुआ प्रशासन। जालंधर में पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस को मिला चुनाव चिन्ह। हॉकी स्टिक और बॉल वाले निशान पर लड़ेगी चुनाव। गोवा में बीजेपी के एक और विधायक प्रवीण ने इस्तीफा दिया। पहले मंत्री माइकल लोबो समेत 4 विधायक पद से इस्तीफा दे चुके हैं, ज्यादातर कांग्रेस में इनके जाने की खबर है। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद 5 राज्यों का ओपिनियन पोल। घट सकता है बीजेपी का 4-1 का स्कोर। यूपी में बीजेपी की शानदार वापसी, लेकिन पंजाब में पिछड़ने का है अनुमान। उत्तराखंड में कांग्रेस से है बीजेपी की कांटे की टक्कर। यूपी में फिर बन सकती है बीजेपी की सरकार। सी वोटर के सर्वे के अनुसार एनडीए को 223 से 235 सीट, समाजवादी पार्टी को 145 से 157 सीट का अनुमान। सर्वे में कांग्रेस ने नहीं पार किया दहाई का आंकड़ा। यूपी में सीएम की पसंद में योगी आदित्यनाथ सबसे आगे। सर्वे में 43% लोगों ने लिया योगी का नाम। 34% की पसंद है अखिलेश यादव। 14% की पसंद के आंकड़े पर है मायावती। सी वोटर के सर्वे में पंजाब में अब की बार केजरीवाल की आम आदमी पार्टी बनेगी सबसे बड़ी पार्टी, लेकिन बहुमत से रहेगी दूर। आम आदमी पार्टी को 52 से 58 सीटें, तो वहीं कांग्रेस को 37 से 43 सीट और अकाली दल को 17 से 23 सीट मिलने का है अनुमान। बीजेपी 1 से 3 सीट पर रह सकती है। पंजाब में मुख्यमंत्री की पसंद में अब भी चरणजीत सिंह चन्नी सबसे आगे, लेकिन लंबी उछाल के साथ लोकप्रियता में दूसरे नंबर पर आए आम आदमी पार्टी के भगवंत मान। उत्तराखंड में बीजेपी और कांग्रेस में कड़ी टक्कर के आसार। सर्वे के अनुसार बीजेपी को 31 से 37 और कांग्रेस को 30 से 36 सीट मिलने का अनुमान। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री की पसंद पर सर्वे में सबसे आगे हैं कांग्रेस के हरीश रावत। पुष्कर सिंह धामी दूसरे स्थान पर। सी वोटर के सर्वे के मुताबिक गोवा में इस बार फिर बन सकती है बीजेपी की सरकार। बीजेपी को 19 से 23 सीट मिलने का अनुमान है, लेकिन 60 सीटों वाले मणिपुर में बीजेपी और कांग्रेस के बीच है कांटे की टक्कर। यूपी में विधानसभा चुनाव के बाद कराए जाएंगे 10वीं और 12वीं के बोर्ड एग्जाम। 20 मार्च से परीक्षा हो सकती है शुरू। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का विवादित बयान। कहा, वो कहते हैं कि हिंदू धर्म खतरे में है, जबकि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सारे के सारे हिंदू हैं। अगर इनके रहते हुए भी खतरा है तो फूल किस स्तर पर है। हमारे विचारधारा में हिंदू धर्म को न कभी खतरा हुआ है, न कभी खतरा रहा है। हरिद्वार में धर्म संसद के दौरान संत समाज हेट स्पीच मामले में अब सुप्रीम कोर्ट ये मामला पहुंचा। धर्म संसद के संयोजक आनंद स्वरूप महाराज ने कहा, हम मुसलमानों के खिलाफ नहीं बल्कि इस्लामिक जिहाद के खिलाफ हैं। देश में कोरोना के कल से अब कम हुए हैं केसेस। एक दिन में 1,68,000 से ज्यादा नए मरीज सामने आए। 277 लोगों की जान गई। एक्टिव केसेस बढ़कर हो चुके हैं 8 लाख के पार। देश में ओमिक्रॉन मरीजों का आंकड़ा 4,000 के पार हुआ। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 1,216 केसेस। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।